मेरे पास 2-3 दिन से काफ़ी थकावट जा रही है, सुस्ती है, तो मुझे अब खुशबू आ रही थी। मैंने कहा देखा खुशबू किस चीज़ की, सहरी की तैयारी हो रही है। मैं तो कह रही हल्का फुल्का कुछ, बस ये डबल रोटी का पी से ले लूँगी। बस आ करते हैं स्लो। मुझे लगता है जहाँ कुछ फ्राई हुआ है खुशबू है। मैं तो इस चीज़ को, मेरा आहमद खान भी बड़े शौक से खाता है। मेरे पास इंशाल्लाह सहरी, सहरी के बाद नमाज, फिर हम रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। उसके बाद जब भी आँख खुलेगी ये देखें हमारी तैयारी रेडी है, तो हम इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे मुल्तान के लिए। खैरियत का सफ़र हो, काफ़ी सारे काम, आमद खान की यादें, उदासी, तो इंशाल्लाह सहरी करते हैं। चाहिए दही बोले हैं। सूप दलिया हमारा बहुत मजे का, टेस्टी दलिया, यमी। पीमा बड़े जी पे जूती की तो चाहती है भाई, जवाब की तो चाहती है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, तो हम जा रहे हैं मुल्तान के लिए सामान सामान पैक करते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। रेडी होने के बाद हम जा रहे हैं कह के इस्लामाबाद को, मेट्रो को, आज मोहल्ले को, तो चलते हैं मुल्तान विलेज। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, बहुत जल्द हमारी विलेज के ब्लॉग मिलेंगे, वहाँ की मसरूफियात आपके साथ शेयर करेंगे। खैरियत का सफ़र हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। सफ़र जाने से पहले, शहर को छोड़ने से पहले, जैसे एक हमारी रूटीन है, पेट्रोल, टायरों की हवा वगैरह सारा चेक करा के, तो चलते हैं फिर सफ़र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरी बस, ये देखें हम आ चुके हैं भेरा। मैं इस्लामाबाद से निकली हूँ, मैंने कोई वीडियो वगैरह वाला कुछ भी नहीं बनाया। रोज़ा था, सुस्ती थी, और काफ़ी सारे हमारे काम थे शहर के, वो हमने ख़त्म किए। 4 बजे वहाँ से निकले हैं, तो 5:45 यहाँ हम भेरा पहुँच चुके हैं। डिसाइड किया है यहाँ रोज़ा ओपन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रोज़े के साथ गाड़ी चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे काम काफ़ी थे, इसी वजह से कोई सुस्ती, वीकनेस, तो इंशाल्लाह रोज़ा अख्तियार करने में टाइम काफ़ी रहता है। अभी वज़ू करते हैं, क्या होगा अफ्तारी में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इधर मैकडोनल्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। भेरा बहुत बड़ा स्टेशन है, यहाँ सारी चीज़ें अच्छी भी होती है, जो जो फ्लेवर टेस्ट जिनको पसंद है वो वहीं बैठेंगे। गाड़ियों का आना रश स्टार्ट हो चुका है। ये वह अच्छा बड़ा स्टॉप है, जो हर चीज़ अवेलेबल होती है, अच्छी होती है खाने में। पहले पहले हम हैं, मेरे बस बीजी बेबे के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कंप्लीट देखें, लाइक भी करें। मेरे आने वाला ब्लॉग सबसे पहले आप देखेंगे। टाइम थोड़ा रहता है, सुस्ती थकावट बहुत ज़्यादा थी। आगे सफ़र करना इसलिए माहौल था, एक तो रोज़े की वजह से, दूसरा रोज़ा ओपन हो जाता, दूसरे स्टेशन तक पहुंचते पता ये एक खूबसूरत सूरज ग़ुरूब होने को है, तो थोड़ी देर में ऑर्डर करते हैं। Allah'a emanet olun.
जूस पानी ये और पेप्सी मैंने ये मंगवाया है। अपने लिए अजान होने वाली है, थोड़ा सा टाइम रह गया। माशाल्लाह बड़ी बड़ी बसें गाड़ियाँ सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, लाइटें जल चुकी हैं, तो खाने में ये चीज़ें आ चुकी हैं, सब ने अपने अपने आर्डर किए हैं। तो जहाँ इस ना इस पे के पास खजूर है ना कोई जूस है, यानी और कुछ अपनी तरफ से होता है और कुछ सेल चीज़ें करते हैं, वो कुछ भी नहीं है इनके पास खजूर वगैरह जे। तो इस तरह से रोज़ा ओपन करेंगे इंशाल्लाह, अजान का इंतज़ार है। एक बात आप लोग से शेयर करनी थी, यहाँ रोज़ा इफ्तार करते हैं और अगले स्टॉप पे चलेंगे, वहाँ आपके साथ मैं एक खूबसूरत बात शेयर करने वाली हूँ। कंप्लीट देखते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कंप्लीट देखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमारी नेकी, हमारी इबादतें, हमारी दुआएं कबूल करें इस नेक महीने के, नेक महीने के। तो फिर अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत दे। मेरे पास रोज़ा भी ओपन होने वाला है और गप्पे छप्पे लग रही हैं, काफ़ी कमज़ोरी वीकनेस भी फील हो रही है। तो रोज़ा ओपन हो चुका है, मिलते हैं एक अच्छी सी चाय के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई ये स्टाफ फैसलाबाद का स्टाफ है, तो ये कौन सी जगह है, यहाँ मेरी खूबसूरत यादें हैं, यहाँ मेरी मुलाकात सितारा जासिम से हुई थी, जहाँ मैंने आपकी गाड़ी खड़ी की थी, इधर सामने भी सितारा जासिम मिली थी। तो ये एक यादगार वो जगह है जहाँ अच्छी सी मुलाकात, अच्छी सी यादें। वहाँ हमने रोज़ा ओपन किया तो काफ़ी सुस्ती थी, तो गुंजाइश भी नहीं थी, तो जहाँ आके स्टॉप किया, चाय लेते हैं, कोई कॉफ़ी कोई चाय इस तरह से सब। तो उसके बाद फिर चलते हैं हमारा सफ़र रवा दवा मुल्तान के लिए, और मुल्तान की मसरूफियत भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हमारी सहरी अपने घर मुल्तान में होगी और रेसिपी रुमान अफजल के हाथ की आपके साथ शेयर करेंगे, क्या बनाया है उसने कंप्लीट, उसके बराग भी देखा करें रुमान अफजल। चीनी है, विदाउट चीनी क्या कैसे बनवाइए? ये मिक्स है हर चीज़। अच्छा, हर चीज़ मिक्स है। हस्ब मामूल मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू रोज़ा अफ्तारी सहरी। अल्लाह हाफिज़।